electronics. Dear students, welcome to School Awareness from Head Office. आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफाइन रेगुलेटर एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफ रेगुलेटर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिटेलर को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में, अब हम सर्विसेज ऑफ रिटेलर की तरफ आए. सर्विसेज ऑफ रिटेलर, रिटेलर की सर्विसेज दो तरह के लोगों के लिए मुझे, एक तो कंज्यूमर के लिए होती है, डेफिनेटली हमारे घर कुछ बार जितनी भी दो रिटेल शॉप स्टोर बना रहे हैं वो हमें उनके अल्टीमेट कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहे हैं. लेकिन आपको सर्विसेज के कंज्यूमर को सर्विस लेने से पहले वो सेकंड पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि होलसेलर को भी कीप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर. देखें, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर बेसिकली डिपेंड करते हैं रिटेलर, क्योंकि रिटेलर ही ऐसा मिडल मैन या चैनल है जो कंज्यूमर तक दोस्तों पहुँचा रहे हैं. आज हम इसकी सर्विसेज रिटेलर की सर्विसेज कंज्यूमर के लिए भी देखते हैं, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर. सबसे पहले देखिए सर्विसेज टू कंज्यूमर. सर्विसेज टू कंज्यूमर में सबसे पहली जो सर्विस है वो क्रेडिट फैसिलिटी. क्रेडिट फैसिलिटी क्या है? क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब है कि कस्टमर इसके पास आता है, कंज्यूमर इसके पास आता है, क्योंकि इसके ज़ाती मुरासिम यानी कि जो है ज़ाती ताल्लुकात होते हैं कंज्यूमर के साथ, ये कंज्यूमर को जानता है. कंज्यूमर कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स इवन विदाउट हैविंग कैश. वो अपनी नीड्स का, अपनी जो ज़रूरियत है इसके सामने अगर सवाल रखता है तो ये उसको उधार की सूरत भी प्रोवाइड करता है. इसके बाद वैरायटी ऑफ गुड्स, गुड्स की वैरायटीज आपके सामने एक पिक्चर है. पिक्चर में आप देखते हैं ये रिटेलर है, ये इसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स है रैक के अंदर. तो वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो आपके सामने तमाम किस्म के जितनी भी गुड्स मार्केट में वो उसके पास मौजूद है. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके सामने पिक्चर में सब कुछ जो इसकी सर्विसेज है वाजे हो रही है. ये अगर इसके रैक के अंदर गुड्स ऐसे हैं जो पहले कंज्यूमर और सारे तो वो इसकी मालूमात लेकर इसको भी खरीद सकता है. बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने ब्रांड्स को इन रिटेलर्स के पास आकर इनको बेच रहे हैं, तो इस सूरत में कंज्यूमर को जो है सप्लाई इन स्मॉल ग्राउंड. ये आमतौर पर कंज्यूमर्स, अल्टीमेट कंज्यूमर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम तादाद में एशिया सेल करता है. कम तादाद में जब सीधे जिस वक्त एशिया सेल करता है तो इसका बेसिकली जो मेन एम होता है वो अपने कंज्यूमर की डिमांड और रिक्वायरमेंट को पूरा करना. इससे नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. गुड्स की अवेलेबिलिटी मस्ट है. आप इस पिक्चर में देखते हैं कि ये एक स्टोर है जहाँ पर तमाम तरह के गुड्स जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर की यही इम्कान कोशिश होती है वो एक ही जगह पर जाए और अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया उसको एक ही जगह मिल जाए. स्टोरेज फैसिलिटी, इसका मतलब ये है कि जो रिटेलर है वो हमेशा अपनी जो स्टोर की हुई तमाम वैराइटीज़ को हर वक्त मौजूद है. अगर इसके पास स्टोर होंगी तो कस्टमर की नीड्स उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है. फ्री होम डिलीवरी, आप आजकल देख सकते हैं कि रिटेल शॉप के ऊपर बर्गर पिज़्ज़ा फास्ट फूड जितने भी लोग काम करते हैं, या आपके सामने पिक्चर देख रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर या इस तरह के जो लोग हैं वो फ्री होम डिलीवरी के लिए आजकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. खासतौर पर जो हालात के मद्देनज़र जैसे लॉकडाउन या मुख्तलिफ फ्री होम डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इसकी जगह है, जिससे अच्छी सर्विसेज को डिस्काउंट इन प्राइस. प्राइस में जो है डिस्काउंट, समटाइम्स रिटेलर ऑफर डिस्काउंट फैसिलिटीज स्पेशली टू दोज हू परचेज इन लार्ज क्वांटिटी. आप देखिए जो ज़्यादा तादाद में अशिया खरीदी जाती है उसमें आमतौर पर जो है वो गुड्स को ज़्यादा,
अब हमारे पास सर्विसेज टू होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इनकी दी हुई तमाम अशिया को डिस्ट्रीब्यूट जो करता है वो रिटेलर ही, क्योंकि रिटेलर ही इनकी तमाम अशिया को अंदर सेंड करता है अपनी सारे स्टोरेज फैसिलिटी, अपनी स्टोरेज फैसिलिटी अपने पास रखता है, उसका स्टोर होता है जो उसकी दुकान बैक साइड पर उसने कहीं पर भी छत पर एक स्टोर बना रखा होता है जहाँ से वो अपने ये आमतौर पर होलसेलर को ये प्रोवाइड करता है ताकि उसको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके तमाम किस्म के जो हैं वो ज़रूरियात में इसकी तलब जो भी कस्टमर्स के पास आए तो उसको एडवांस फसल कहने का मतलब है। फाइनेंशियल फैसिलिटी में मतलब ये हो जाता है आमतौर पर जब भी ये वर्ड आए आप हमेशा ही याद रखें ये एडवांस ऑर्डर के जरिए अपने कस्टमर को रिटेन रखता है, उसकी डिमांड कम करता है। इसके बाद सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन नाम से ही बात है कि ये एक अपनी रोक को तरक्की देने में किरदार अदा करता है। Retailers helps wholesaler to maximize the sale of goods. Maximize the sale of goods. Sale of goods ko maximize karte hain. They have direct link with the consumer and can convince or influence the customer to purchase any particular product. Iske baad hai market research. Retailer jo hota hai, uske personal contact consumer ke saath. Ye baat 100%. और यही कस्टमर इसके पास आता है और उसको बताता है कि मैंने टीवी में चैनल में अखबारात में ये चीज़ें देखी हैं लिहाजा मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करें, इसलिए मार्केट रिसर्च इसकी ज़्यादा है। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, अगर कोई चीज़ कंज्यूमर के नॉलेज में नहीं होती, कंज्यूमर के नॉलेज में ये मैन्युफैक्चरर से और होलसेलर से शेयर लेकर उसको हैंड ओवर करता है जिसकी इंफॉर्मेशन उसको नहीं। Thank you very much. मुझे लेक्चर आपको समझ आया होगा।